गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे आप लोग अच्छे होंगे। ओके सो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:30 एंड मैंने डिनर कर लिया है। अभी मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी क्योंकि कल है तीज और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ तीज के लिए। मैं ना हर एक मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लाइक अभी मेहंदी लगाने वाली हूँ, कल सुबह मैं सगी खाऊंगी, मैं सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। स्पेशली मुझे ब्लॉग शेयर करना बहुत पसंद है। ये अलग बात है, व्यूज नहीं मिलते हैं, पर स्टिल मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। सो आई एम श्योर आप सबको मेरा जो ब्लॉग है वो पसंद आएगा। एंड अभी मैंने एक ब्लॉग एंड किया है, बट ये तीज वाला ब्लॉग पहले जाएगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ तीज के लिए। एंड गाइज अभी मेहंदी लगाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं आता है, इनफैक्ट डिजाइन ही नहीं आता है। मैं ट्राई करने वाली हूँ, वैसे भी अभी कोई अदर ऑप्शन नहीं है, बाहर में तो लगवा नहीं सकती हूँ, सो खुद ही लगाना है। चलो फिर ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट फिनिश होने को है। और आपको पता है मैं लगभग 2 साल बाद मेहंदी लगा रही हूँ। लास्ट ईयर भी लगाया था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मेरी फ्रेंड ने मुझे लगाया था। सो लिटरली मेरे हाथ जो थे ना वो शिवर कर रहे थे लगाने के टाइम। सो स्टार्टिंग का इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, जब मेरा हाथ थोड़ा बैठ गया तब जाकर मैंने कैमरा ऑन किया। और मैं सिंपल सा डिज़ाइन लगाने वाली थी, बेली डिज़ाइन शायद बोलते हैं, वो लगाने वाली थी। फिर अचानक मेरे माइंड को क्या हो गया और मैंने पूरा भर दिया। और आपको पता है एक बात, पहले मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक था जब मैं हॉस्टल में थी, पूरे सावन मेरे हाथों में मेहंदी होती थी। लेकिन अब शौक नहीं रहा, कभी कभी लगाती हूँ, बहुत ही रेयर तीज में या फिर कभी कभी रक्षाबंधन में भी लगा लेती हूँ। ओके सो फाइनली आई एम डन विथ माई मेहंदी। आपको कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। और मैं एक ही हाथ में लगा पाई क्योंकि एक ही लेकर आई थी जो कि थोड़ा ही बचा हुआ है, पीहू कल सुबह में लगाएगी। अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मैं आपसे सुबह में मिलूँगी। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं उठी हूँ सरगी खाने के लिए। अभी 1 घंटे पहले मैं सोई थी 2 बजे और मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई, अभी उठना पड़ा। अभी उठूँगी नहीं तो कैसे चलेगा। कल मेरा जो व्रत है वो निर्जला है, मुझे खाना पीना कुछ नहीं है, सो उठना तो पड़ेगा ही। एंड एक तरीके का रस्म भी कह लो, नियम भी है सुबह में सरगी खाना। वैसे इस टाइम खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, पर खाना तो पड़ेगा। देखो मेरे साथ साथ कौन उठा है, मिस्टर मैक्स। नहीं नहीं मेहंदी नहीं खाना है, इससे मेहंदी की स्मेल आ रही है और ये खाना चाह रहा है। चलो 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 जाओ, सो जाओ, बेडरूम में जाओ। नहीं जाओगे? ओके सो उठते के साथ तो बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया एक बनाना, गुलाब जामुन और 1 गिलास दूध। और हाँ, गुलाब जामुन से मुझे याद आया, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने, सो मैं शेयर करूँगी बहुत ही जल्द। अभी क्या है ना, तीज की वजह से हम मार्केट से भी बहुत सारा स्वीट्स लेकर आए हैं और कल भी बहुत सारे आइटम्स बनाने हैं, वो भी मीठे मीठे, तो बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा। और खाने के लिए कोई है नहीं, बस हम 3 लोग हैं। सो मैं बनाऊंगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ओके गाइस सो अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, कल सुबह बहुत ज़्यादा काम है, सो जल्दी सो जाऊंगी तो जल्दी उठ जाऊंगी। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। सो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के शायद 12 बज रहे हैं। मैंने शैम्पू कर लिया है, आपको दिख रहा होगा, और मैं हूँ अपने किचन में। आज मैं बना रही हूँ ठेकुआ एंड गुजिया। हमारे तरफ तीज में कंपलसरी होता है ये बनना, हर घर में बनता है, एक तरीके से आप कह लो तो तीज की स्पेशलिटी होता है ये दोनों आइटम्स। एंड मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया, सो लेट्स सी कैसा बनता है। हमेशा मम्मी बनाती थी, मेरी मम्मी, और क्या मस्त लगता था, बहुत टेस्टी लगता था। हालांकि रेसिपी तो उन्हीं का है, सो लेट्स सी कैसा बनता है। और ठीक हो, वैसे आप लोग समझ रहे हो ना, अ सॉर्ट ऑफ कुकी होता है, मैदे का बनता है, आटे का भी बनता है, पर जनरली हम तीज में मैदे का ही बनाते हैं। और हमारी तरफ एक फेस्टिवल होता है छठ, उसमें आटे का बनता है, क्या मस्त लगता है उस टाइम का ठेकुआ। एंड गुजिया तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है ठेकुआ और ये अभी बना नहीं है, अभी इसे तलना बाकी है। ये मैदे का भी बनता है, आटे का भी बनता है, मैंने मैदा और सूजी को मिक्स करके बनाया है और साथ में मैंने ऐड किया है शक्कर और कुछ ड्राई फ्रूट्स।
और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ तलने को भी दे दिया है। मुझे इसकी टेंशन नहीं थी क्योंकि मैंने ठेकुआ पहले भी बनाया है। मुझे खास टेंशन गुजिया की थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था पता नहीं कैसा बनेगा। और इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने मुझे फ़ोन पर बहुत गाइड किया तब जाकर ये बना। और हाँ, मैं तो एक बात बताना ही भूल गई, गुजिया के अंदर मैंने डाला है खोआ, कोकोनट पाउडर और शुगर पाउडर एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स। कई लोग सूजी भी अंदर स्टफिंग करते हैं पर मुझे खोआ ज़्यादा पसंद है। ओके, सो किचन का ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो चुका है, गुजिया बन गया एंड थैंकफुली बहुत ही अच्छा बना। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि मम्मी बता रही थी ऑयल में डालने के बाद कभी कभी ना वो खुल जाता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुत अच्छा बना। एंड स्लैब के पास खड़े खड़े मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं कब बैठूंगी। एंड फाइनली मुझे अभी टाइम मिला है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठ जाऊँ, उसके बाद मुझे रेडी होना है, देन पूजा की प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारा काम है गाइज। सो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। सो मैंने पूजा की सारी प्रिपरेशन कर ली है, अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। फिलहाल मैं रेडी हो रही हूँ, मैं बैंगल्स पहन रही हूँ लाइट पिंक कलर में जो कि मेरी साड़ी से मैचिंग है, और मैंने बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहनी है, बहुत ही लाइट वेट है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी कैरी करने की आदत नहीं है, मैं तुरंत इरिटेट हो जाती हूँ, इसलिए मैंने बहुत ही लाइट साड़ी पहनी है। पहले आदत थी जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं बीएड कर रही थी वहाँ मुझे साड़ी पहनना होता था, सो उस टाइम पहनती थी, उसके बाद कभी पहना नहीं। लास्ट मैंने पहना था मेरे ससुराल में आई गेस एक साल पहले। ओके गाइज, सो ये रहा मेरा कंप्लीट लुक, कैसी लग रही हूँ मैं बताना ज़रूर। आई थिंक आप मुझे फर्स्ट टाइम साड़ी में देख रहे हो, और लाइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बिकॉज़ ये मैं रात में शूट कर रही थी 7:30 के अराउंड पूजा करने से पहले, अगर दिन होता ना तो बहुत अच्छा आता। एनीवे चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे प्रिपरेशन की है। सो मैंने कुछ इस तरीके की प्रिपरेशन की है अपने समझ के अनुसार, बहुत ज़्यादा आइडिया तो मुझे नहीं है लेकिन पूछ कर फ्रेंड से पूछ कर, मम्मी लोगों से पूछ कर, और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मिसिंग हो, बहुत कुछ मुझे भी नहीं पता है, पर भगवान जी माफ़ कर देंगे। वैसे भी मन में श्रद्धा होनी चाहिए और मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। ओके, सो पूजा ओवर और आई थिंक एक घंटा हो गया होगा। अभी फ़िलहाल मैं रेस्ट कर रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे पैरों का बैंड बच चुका है। एंड ये देखो मेरी मेहंदी और भी ज़्यादा डार्क हो गई है। गाइस, आपने कैसे सेलिब्रेट किया अपना तीज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्योंकि मुझे जानना है। और हाँ, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। सो आई होप आपने ये छोटा सा ब्लॉग इन्जॉय किया हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय, लव यू ऑल।